आइए आज हम लोग एक नए टॉपिक की बात करेंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, जिसमें क्या है, एक पार्ट हमारा क्या कंप्लीट हो गया था, यस सेकंड पार्ट की बात करेंगे। देखिए इसमें क्या है, आपको तीन पॉइंट बता रहे हैं, तीनों पॉइंट क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। जो फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है, द ऑपरेटर डेल, डेल इज इक्वल टू, इट इज डिफाइंड एज डेल इज इक्वल टू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, यह हमारा डेल के इक्वल होता है। और जब भी आपको डेल के लिए सिंबल पूछा जाए तो यही सिंबल आप लोग यूज करेंगे, और जब इसे क्या है किसी वर्ड में कहा जाए तो इस तरह से क्या डी ई एल लिखेंगे। तो आई सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन ग्रेड एफ, ग्रेड का मतलब होता है वही डेल एफ एफ रहेगा, और ध्यान याद दीजिए यहाँ पे डेल की वैल्यू आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे इतना रहेगा। एफ हमारा क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन के केवल एफ के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, तो एफ का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड, इस तरह से यह हमारा क्या हुआ, पूरा हुआ। आइए पॉइंट नंबर थर्ड की बात करें, कंजर्वेटिव वेक्टर। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में, जब भी क्या है कंजर्वेटिव फंक्शन के साथ साथ सोलेनाइडल क्या वेक्टर की भी बात करता है और कंजर्वेटिव वेक्टर की बात करता है। जब फंक्शन की बात करेंगे तो फंक्शन के रूप में आप इसके डिफिनीशन को डिफाइन करेंगे, और यदि वेक्टर की जब बात करेंगे तो वेक्टर के रूप में इसके परिभाषा को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कंजर्वेटिव वेक्टर। देखिए कंजर्वेटिव वेक्टर का मतलब ये होता है, कोई भी फंक्शन का एक बार कर्ल ले लीजिए वह जीरो के बराबर हो जा रहा है तो हमारा कंजर्वेटिव हो गया। तो इस तरह से क्या है, ए वेक्टर एफ इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ़ कर्ल एफ इज कल जीरो। जैसे एफ हमारा कोई क्या है वेक्टर के फंक्शन है, तो यदि इसका एक बार कर्ल ले लिए तो किसके बराबर हो गया, जीरो हो जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फंक्शन हो जाएगा। आइए क्या है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सोलेनाइडल वेक्टर का, इसमें लिखेंगे और ध्यान दीजिए हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, इसे सेकेंड पॉइंट नहीं बल्कि फोर्थ पॉइंट ले लीजिए। तो सोलेनाइडल वेक्टर, ए वेक्टर एफ इज सेड टू बी सोलेनाइडल इफ डाइवर्जेंस एफ इज कल जीरो। देखिए डाइवर्जेंस ऑफ ए पॉइंट वेक्टर फंक्शन में आपको वहाँ पे डाइवर्जेंस एफ इज कल जीरो लिए थे, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस का मतलब यही होता है, देखेंगे दैट इज डाइवर्जेंस एफ इज कल जीरो एम्प्लाई दैट डाइवर्जेंस को डेल लिखते हैं डी एल डेल, और ये एफ इज कल कितना हो गया जीरो, इसे बॉक्स में कर लीजिए। और इसे कर्ल को क्या लिखेंगे, कर्ल को क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो, इसे भी बॉक्स में कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, कंजर्वेटिव वेक्टर ही हो गया, ये हमारा सोलेनाइडल वेक्टर। जब भी क्या एग्जाम में आपको क्या है एक दो एक एक नंबर का सोलेनाइडल और कंजर्वेटिव वेक्टर के क्या आपसे डिफिनीशन पूछता है, तो ये डिफिनीशन में यही आप लिखेंगे, ए वेक्टर या इज सेट टू बी कंजर्वेटिव इफ कर्ल एफ इज कल जीरो, और सोलेनाइडल क्या देंगे, ए वेक्टर एफ इज सेट टू बी सोलेनाइडल इफ डाइवर्जेंस एफ इज कल जीरो, देखेंगे दैट इज डाइवर्जेंस एफ इज कल जीरो। तो डाइवर्जेंस इज कल कितना होता है, तो यहाँ से लिखेंगे कितना, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, यह आप लोग इस टॉपिक से यहाँ से डिफिनेशन यहाँ पे दिखाएंगे कि आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट, यहाँ क्या हो गया एफ इज इक्वल जीरो। आप देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एफ से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आई डेल एफ अपॉन डेल एक्स और प्लस जे डेल एफ अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू जीरो, यदि जीरो के बराबर हो जा रहा है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सोलेनाइडल कहते हैं। तो आइए क्या है, इसी से रिलेटेड हम क्या है एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बिल्कुल इसी दोनों से टॉपिक से रिलेटेड है, तो यहाँ पे टॉपिक में यहाँ पे दिखा सकते हैं सोलेनाइडल कंजर्वेटिव वेक्टर, कंजर्वेटिव वेक्टर वेक्टर एंड सोलेनोइडल वेक्टर, इस तरह से इसे क्या बॉक्स ब्रैकेट कर दीजिए।
तो यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, सो दैट द वेक्टर, आपको एक वेक्टर दिया गया है, आपको सिद्ध करना है कि ए बराबर क्या दे रहा है, x प्लस थ्री वाई ब्रैकेट क्लोज और डॉट i और प्लस इन ब्रैकेट में y माइनस थ्री जेड और डॉट j प्लस x माइनस टू वाई x माइनस टू जेड डॉट k और इज सोलेनाइडल। आपको सिद्ध करना है एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर फंक्शन है और इसे सिद्ध यह करना है कि यह सोलेनाइडल है। अभी डिफिनेशन आपको बताए हैं, ए वेक्टर एफ इज सेट टू बी सोलेनाइडल इफ डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब यह है इसका एक बार डाइवर्जेंस ले लीजिए, यदि जीरो के बराबर हो जा रहा है हम कहेंगे दिया हुआ फंक्शन हमारा क्या सोलेनाइडल है। आइए देखते हैं सोल्यूशन। पहले लिखेंगे गिवन दैट, जो आपको दिया गया उसे लिख लीजिए, क्या दिया गया है गिवन दैट, गिवन दैट वेक्टर ए इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई और आई हो गया प्लस यहाँ पर हो जाएगा वाई माइनस थ्री जेड और ये क्या हो गया जे और प्लस एक्स माइनस टू जेड और ब्रैकेट क्लोज और डॉट क्या हो जाएगा के। इस तरह से क्या है वेक्टर ए बराबर इतना दिया गया है। अब क्या है आपको मालूम है सोलेनाइडल डिफिनेशन किया कहता है जो वेक्टर दिया गया उसके बाद डाइवर्जेंस ले लीजिए, ये जीरो के बराबर हो गया सोलेनाइडल हो गया। तो यहाँ नीचे से लिखेंगे सो दिस या लिखेंगे सच दैट, लिखेंगे इफ ए वेक्टर 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 एफ इज सेड टू बी सोलेनाइडल नाइडल इफ डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू जीरो एम्प्लाई दैट डाइवर्जेंस के लिखेंगे ऐसे डॉट एफ बराबर जीरो हो गया, डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए यह हमारा तो सोल्यूशन है गिवन दैट इतने बराबर इतना हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे एक्चुअल है आपका वेक्टर ए के बराबर दिया गया, आपको इक्वल नहीं दिया, आप इसे लेट भी कर सकते हैं, लेट इतने बराबर इतना ये आपको दिया गया लेकिन लेट किए हैं। अब देखिए ए बराबर दिया गया है, नीचे लिखेंगे डाइवर्जेंस ए इज इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस लिखेंगे डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट, वी नो दैट डेल इज इक्वल टू कितना होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, यह वैल्यू होती है। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ पे डेल है उसके स्थान पे यह वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो पुट करेंगे तो आपके पास हो क्या जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जे, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे ए हो जाएगा। अब देखिए ए की जो वैल्यू है उसे लाके यहाँ भी पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा इक्वल टू जीरो, एम्प्लाई दैट इसमें से LHS ले लीजिए, LHS LHS ले ले रहे हैं, LHS मतलब कि डाइवर्जेंस ए, LHS क्या हो जाएगा डाइवर्जेंस ए बराबर आ जाइए, डाइवर्जेंस का वैल्यू जानते हैं ए के वैल्यू पुट कर दीजिए आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई और प्लस के डेल अपॉन डेल जेड हो गया इतना। अब यहाँ पे एक इक्वल कितना है, एक इक्वल एक्स प्लस थ्री वाई एक्स प्लस थ्री वाई और यहाँ पे आई हो गया आई और प्लस वाई माइनस थ्री जेड और ये जे हो गया और प्लस एक्स माइनस टू जेड ब्रैकेट क्लोज या के हो गया, इस तरह से क्या इसे बंद कर दीजिए। अब देखना यह है ये दोनों के बीच में कौन सा साइन क्रॉस का नहीं डॉट का है,
अब डॉट के जब आई में आई के मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगा, आई डॉट जे कर देंगे तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। करेंगे मतलब इसका मल्टीप्लाई सीधे डायरेक्ट इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स, और यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस थ्री वाई, एक्स प्लस थ्री वाई फिर प्लस आ जाइए। और जब आई का मल्टीप्लाई जे में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो सारे टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अब देखिए जे वाले के जे का मल्टीप्लाई जे में करेंगे केवल वैसी वैल्यू एक होगा, यदि जे का मल्टीप्लाई आई में कर देंगे आई डॉट जे या जे डॉट आई इसका जीरो हो जाएगा। तो इसे जीरो वाले टर्म लिखने दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे क्या डेल अपॉन डेल वाई, डेल वाई अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा वाई माइनस थ्री जेड, और ध्यान दीजिए प्लस जे का मल्टीप्लाई के में करेंगे तो के डॉट जे इसकोल जीरो हो गया, तो इसे भी नहीं लिखना है। अब देखिए के का मल्टीप्लाई केवल के वाले टर्म केवल कीजिए, तभी तो केवल आपको समय की बचत होगी, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे गलत नहीं होगा लेकिन सही रहेगा, लेकिन उसे करने से कोई मतलब नहीं है। अब के में करेंगे तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगा, तो इस तरह से कितना हो जाएगा डेल अपन डेल जेड, डेल जेड यहाँ बचे क्या एक्स माइनस टू जेड। अब देखना यह है इसका एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार वाई के रिस्पेक्ट करेंगे और एक बार क्या करेंगे जेड के रिस्पेक्ट करेंगे। चलिए आइए सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट कर लेते हैं, तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, आप ही प्लस आ जाइए। वाई के रिस्पेक्ट में इसका करने जाएंगे तो वाई का करेंगे तो वन हो जाएगा, और इसका करेंगे माइनस क्या हो जाएगा जीरो, क्या जीरो हो जाएगा इसमें वाई कहीं है ये नहीं है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगा। और ध्यान दीजिए जब इसके यक्स करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो जीरो हो जाएगा, इसमें करेंगे तो माइनस टू होगा, केवल जेड का करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस जीरो माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा वन प्लस वन, वन प्लस वन और माइनस टू तो बराबर कितना हो जाएगा जीरो, यही हमारा क्या हो गया आर एच एस बराबर एल एच एस बराबर हैंस प्रॉब्लम। हैंस प्रूव्ड यही आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा था, नीचे से लिखेंगे हैंस द गिवन फंक्शन विल बी सोलेनोइडल, देखेंगे हैंस द गिवन फंक्शन, हैंस द गिवन फंक्शन, गिवन फंक्शन विल बी सोलेनोइडल, सोलेनोइडल सोलेनोइडल। इस तरह से यह हमारा क्वेश्चन क्या हुआ सोलेनोइडल का कंप्लीट हुआ। आइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारा क्या कह रहा है सो दैट, या तो सो दैट यहाँ हटा दीजिए, यहाँ पे डिटरमाइन डिटरमाइन कर दीजिए, डिटरमाइन द वेक्टर ऑफ कॉन्स्टेंट ए, देखिए इसमें कह रहा है कि आपको ए का मान निकालना है, कह रहा है सो दैट द वेक्टर एफ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड और डॉट आई प्लस इन ब्रैकेट में टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री जेड डॉट जे और प्लस इन ब्रैकेट में थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड डॉट के इज सोलेनोइडल। देखिए सोलेनोइडल में आपको बताए हैं कि जो भी वेक्टर दिया रहेगा एक बार उसका डाइवर्जेंस ले लेंगे, यदि वो जीरो के बराबर हो जा रहा है तो हमारा सोलेनोइडल। लेकिन यहाँ सोलेनोइडल क्या है आपको सिद्ध नहीं करना है, आपको केवल कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू ऑब्टेन करना है। तो कहने मतलब यह है जो एफ दिया गया है ए बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट करेंगे आई डॉट डेल एफ अपन डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल एफ अपन डेल वाई प्लस के डॉट डेल एफ अपन डेल जेड। कहने का मतलब यह है जो आई का जो कोएफिशिएंट होगा जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे पहला एक्स के रिस्पेक्ट वाई के रिस्पेक्ट जेड के रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसे नहीं करना है, सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया गया है उस फंक्शन को नोट करेंगे, देखेंगे सोल्यूशन गिवन दैट एफ इजकल टू, देखिए यह वेक्टर हमें दिया है एफ इजकल टू ए एक्स प्लस टू वाई, ए एक्स प्लस टू वाई और प्लस फोर जेड और डॉट आई प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई जेड प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई और माइनस टू जेड और डॉट के, इतना आपको दिया है एफ इजकल टू। अब देखिए नीचे से लिखेंगे वी नो दैट,
देखिए यहाँ पे एक शब्द यूज किया है सोलेनाइडल का, इसका मतलब यह होगा जो भी फंक्शन आपको दिया गया उसका एक बार डिफरेंशिएट, उसका भी एक बार डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो डाइवर्जेंस कितना हो जाएगा, वी नो दैट लिखेंगे डाइवर्जेंस एफ इज इक्वल टू जीरो एम्प्लाई दैट डेल एफ इज इक्वल टू जीरो। आप डेल इज इक्वल टू वी जानते हैं, डेल इज इक्वल टू होता क्या है, आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड होता है। ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो यहाँ पे डेल बराबर होता क्या है, आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे यफ दिया डॉट में, तो यहाँ पे यफ की वैल्यू पुट कर दीजिए तो यफ इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में ए एक्स प्लस टू वाई, ऐसे मझला ब्रैकेट ले लीजिए इसमें ऑल ब्रैकेट, टू आई प्लस फोर जेड ब्रैकेट क्लोज डॉट आई प्लस टू एक्स माइनस थ्री वाई और प्लस थ्री जेड और ब्रैकेट क्लोज डॉट जे। और ध्यान दीजिए प्लस कितना है, प्लस थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस टू जेड डॉट के हो गया, ब्रैकेट किसी भी बंद कर दीजिए। जब ब्रैकेट जो भी यहाँ पे ओपन रहेगा उसी के क्या है फॉर्म में यहाँ पे बंद भी होगा। जैसे बड़ा ब्रैकेट के सिंबल यूज करते हैं तो बड़े वाले से यूज करते हैं, तो ओपन करते हैं तो बड़े वाले से क्या करेंगे क्लोज करेंगे। अब देखिए अब आपको एक नियम बताए थे डॉट प्रोडक्ट का, डॉट प्रोडक्ट में आप ये भी लिख सकते हैं वी नो दैट आई डॉट आई बराबर वन आई डॉट या जे डॉट जे के बराबर एक, बट आई डॉट जे इज इक्वल टू जीरो, जे डॉट के इज इक्वल टू जीरो, के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू होती है इसे आप लोग हमेशा याद रखेंगे। आई इसका इस बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसे ऊपर के पहले इरेज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इतनी चीज़ आप जानते हैं, अब करना क्या है इसका दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल अपान डेल एक्स डेल अपान डेल एक्स एम ब्रैकेट में आ जाइए। अब आई के मल्टीप्लाई आई में करेंगे इसकी वैल्यू एक हो जाएगी, आई के मल्टीप्लाई में जे में करेंगे तो आई डॉट जे इक्वल जीरो हो जाएगा, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है इसलिए जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना, ब्रैकेट में ए एक्स प्लस टू आई और प्लस फोर जेड और प्लस डेल अपान डेल वाई, ब्रैकेट में आ जाइए। अब देखिए जे वाला जो कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री वाई, टू एक्स माइनस थ्री वाई और प्लस थ्री जेड, थ्री जेड ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, क्लोज हो गया। आइए के वाले में, के मल्टीप्लाई के वाले से करेंगे तो इसकी वैल्यू एक होगा, बाकी सब में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो कितना आ जाए, डेल अपान डेल जेड प्लस डेल अपान डेल जेड, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस टू वाई, टू वाई और माइनस टू जेड बराबर जीरो। देखिए सोलेनाइडल डिफिनेशन यही कह रहा था, इसके बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इतना हो गया इसके इज इक्वल टू जीरो, चूंकि मास सोल्यूशन है तो ये बराबर जीरो आपको दिखाना होगा। आइए देखिए, अब देखिए यह हमारा क्या है टर्म है, इस टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है। तो कितना एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू ए हो जाएगा और प्लस, इसमें कहीं ए नहीं एक्स नहीं है तो इसलिए क्या है जीरो हो जाएगा। इसमें करेंगे इसमें कहीं भी एक्स नहीं इसलिए क्या हो गया जीरो हो गया, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और प्लस आ जाइए। इसमें वाई कहीं नहीं है इसलिए इसका वैल्यू जीरो हो जाए, क्यों जीरो होगा, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, इसलिए यह वैल्यू जीरो हो गया। माइनस ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस थ्री, माइनस थ्री और प्लस जीरो, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ये भी टर्म जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो इसमें वाई है ये नहीं है तो टोटल क्या है आपका कॉन्स्टेंट है, तो यह क्या हो गया जीरो हो गया। अब देखिए प्लस प्लस आ जाइए,
आप देखिए यह इसमें क्या जेड नहीं है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है इसका विथ रिस्पेक्ट टू जेड, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन करिए, जीरो हो गया, प्लस आ जाइए, इसमें भी क्या है जेड नहीं है, तीसरा भी जीरो हो गया। अब माइनस, ध्यान दीजिए इसमें जेड है, माइनस टू कांस्टेंट तो बाहर हो गया, लेकिन जेड का करेंगे जेड के रिस्पेक्ट उसकी वैल्यू वन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस टू, ब्रैकेट क्लोज, बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया, यहाँ ए प्लस जीरो इजक्वल टू ए हो जाएगा, प्लस माइनस थ्री करेंगे तो ये क्या आ जाएगा चिन्ह, माइनस माइनस थ्री, और क्या बचेगा प्लस, प्लस नहीं माइनस टू इजक्वल टू जीरो हो जाएगा। चूँकि कह रहा डिटरमाइन द डिटरमाइन एक वैल्यू क्या डिटरमाइन करने के लिए कह रहा था, तो इस तरह से क्या हो जाएगा माइनस थ्री माइनस टू ए माइनस फाइव इजक्वल टू जीरो, कहेंगे ए इजक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इजक्वल टू फाइव ए एन एस। यह क्वेश्चन हमारा क्या कंप्लीट हो गया। आइए कि इसी तरह से क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए इस टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहा जाए तो यह हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये कई सत्रों में लगातार पूछता चला था, लगभग हर साल का लगातार ये पूछता चला आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसका मान निकालने के लिए कह रहा है आपको, यहाँ पे r इक्वल दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर, लिखेंगे पोजीशन पोजीशन वेक्टर। जब इसका मॉड हम निकालेंगे तो कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल दी पावर कितना हो जाएगा वन बाई टू। तो इस तरह से हमारा ये वैल्यू पता है, अब आपको निकालना है r पावर n डॉट डेल r। सबसे पहले लिखेंगे ऐसे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन वी हैव r इजकल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ध्यान दीजिए और क्या दिया है मॉड r इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर होल दी पावर कितना वन बाई टू। इस तरह से r r हमारा क्या पोजीशन वेक्टर है और हमारा क्या है मॉड r इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल दी पावर वन बाई टू। अब आपको निकालना सबसे पहले क्या है डेल r, डेल r कैसे निकालेंगे, डेल r देखिए डेल क्या है r पहले निकाल लीजिए, नीचे लिखेंगे इम्प्लाई दैट डेल r। देखिए डेल डेल का मतलब आप जानते ही है कि यहाँ पर लिख सकते हैं एंड डेल इजकल टू आई डेल अपन डेल एक्स प्लस जे डेल अपन डेल वाई और प्लस के डेल अपन डेल जी जितना होता है। अब देखिए करना क्या आपका डेल आई लिखें डेल डेल आर अपन डेल एक्स प्लस जे डेल आर अपन डेल वाई और प्लस के डेल आर अपन डेल जेड। अब आपको डेल आर अपन डेल एक्स डेल आर अपन डेल वाई डेल आर अपन डेल जेड की वैल्यू अलग अलग क्या है आप निकाल कर इसी मिला के पुट कर दीजिए तो यह आपका वैल्यू क्या हो जाएगा ऑप्टेन हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि इसका वैल्यू होगा कितना, तो यहाँ से सबसे पहले हम बात करेंगे डेल आर अपन डेल एक्स की, देखेंगे डेल आर अपन डेल एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब देखिए r इक्वल टू ये दिया गया यही हमारा क्या है r के इक्वल भी है। अब देखिए जब इसका मॉड r निकाले तो इतना हो जाएगा, सबसे पहले पावर के निकालेंगे तो ये पोजीशन वेक्टर है हमारा तो कितना वन बाई टू, वन बाई टू इसके पावर में क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल दी पावर माइनस ए वन बाई टू हो जाएगा। और फिर इंटू आ जाइए इंटू में देखिए जब इसके अंदर चलेंगे ये इसका कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा तो दो से दो हमारा कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा एक्स अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर के क्या हो जाएगा यह हमारा इक्वल हो गया। इस तरह से डेल आर अपान डेल एक्स इक्वल टू एक्स अपान कितना हो जाएंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जानते हैं इसकी वैल्यू कितने के बराबर हो गई ये मॉड आर के बराबर हो जाएगा तो इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स अपान ये हमारा आर हो गया जिसे मॉड आर लिख रहे हैं तो मॉड आर कहेंगे या लिखेंगे एक्स अपान आर। जब एक्स अपान आर आ गया इसी तरह से हमारा क्या है एक्स वाई और जेड सब की वैल्यू निकाल लीजिए लिखेंगे सिमिलरली
सिमिलरली इसी तरह से डेल आर अपन डेल वाई, वाई अपन आर, डेल आर अपन डेल जेड इजकल टू जेड अपन आर हो गया। अब सारे वैल्यू ला किसमें पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा डेल आर, नीचे से लिखेंगे नाउ डेल आर इजकल टू आई एक्स अपान आर प्लस जे वाई अपान आर प्लस के जेड अपान आर। इसमें आर हमारा सब में क्या है, कॉमन है, आर कॉमन हो गया। यहाँ पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, देखिए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हमारा क्या है पोजीशन वेक्टर क्या है, आर के इक्वल है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आर अपान आर हो गया। ये हमारा क्या है डाइवर्जेंस पोजीशन वेक्टर आर हो गया। रूप दशा जी देखिए इस तरह से हमारा यह वैल्यू निकालेंगे। अब इसी तरह से क्या है पार्ट फर्स्ट का प्रूफ को देखेंगे। फर्स्ट देखिए डेल आर पावर एन और ये क्या हमारा आर है। देखिए फर्स्ट और इंटू सेकेंड फंक्शन का आप जानते हैं फार्मूला, चूंकि पोजीशन वेक्टर है, इसमें भी एक्स इसमें भी एक्स मिले तो प्रथम और द्वितीय का फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा आर पावर एन इस तरह आर पावर एन डेल आर प्लस आर और डेल आर पावर एन हो गया। अब इसकी वैल्यू आप निकालते हैं तो आपको ऑप्टेन कितना होता है देखेंगे। यहाँ पे वी नो दैट अभी देखिए पिछले वीडियो हम इसकी वैल्यू निकाले थे, हमारी इसकी वैल्यू आया था एन आर की पावर एन माइनस टू आर हो जाएगा। देखेंगे देखिए इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो वहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे डेल आर पावर एन इजकल टू एन आर की पावर एन माइनस टू डॉट आर हो गया। और डेल आर की जब सोल्यूशन करेंगे वन प्लस वन इजकल क्या है थ्री, आपको क्या होता है ऑप्टेन हो जाएगा। अब देखिए यही वैल्यू क्या है हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं, यहाँ आर पावर एन डेल आर है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा एन डेल पावर क्या है डेल आर पावर एन की वैल्यू कितना है एन आर पावर एन माइनस टू और डॉट आर हो जाएगा। और देखिए इसकी जो वैल्यू क्या है आर पावर एन हो गया, इसकी वैल्यू क्या है वन प्लस वन इजकल टू थ्री, तो कितना थ्री पुट कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर पावर एन और डॉट थ्री और प्लस एन आर की पावर, ध्यान दीजिए आर आर मिल के आर स्क्वायर हो जाएगा, तो एन पावर एन माइनस टू डॉट आर स्क्वायर, आधार समान है तो पावर आपस में क्या जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा थ्री आर की पावर एन प्लस एन आर की पावर एन माइनस टू प्लस टू। ये देखिए एक साइन हमारा प्लस एक हमारा क्या निगेटिव है, ये दोनों से क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बस क्या रहा है थ्री आर की पावर एन प्लस एन आर टू पावर एन। अब दोनों में कॉमन क्या है आर पावर एन दोनों कॉमन है, तो इसे कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आर पावर एन कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर थ्री बचेगा प्लस एन हो जाएगी, कहेंगे एन प्लस थ्री, एक तो आंसर हमारा ये हो गया। आइए क्या है पार्ट नंबर में क्या फर्स्ट कंप्लीट हुआ, अब पार्ट की क्या सेकंड की बात करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है डेल आर पावर थ्री डॉट आर है, तो इससे पहले आप यहाँ लिख लीजिए डेल आर पावर थ्री और डॉट आर है। अब देखना यह है कि इसमें कंपेयर जब हम करते हैं तो यहाँ पे n के पोजीशन पे 3 है, यदि n के पोजीशन भी इसकी वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू आसानी से ऑप्टेन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग n इजकल टू 3 लिखेंगे ऑन इट्स वेगेट। देखिए हम ऊपर के इसमें वैल्यू पुट करने जा रहे हैं तो कितना है डेल आर पावर थ्री और इन ब्रैकेट में आर पावर थ्री और थ्री प्लस थ्री इजकल टू थ्री प्लस सिक्स आर क्यूब, यह हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड आंसर हो गया। रोका सची संख्या के डायरेक्ट बता दें तीस के ऊपर न जाए। चलिए देखिए हमारा तीसरा पार्ट क्या कह रहा है डेल स्क्वायर
डेल स्क्वायर आर पावर एन बराबर कितना आ जाएगा, डेल डॉट डेल आर पावर एन। हम देखिए डेल स्क्वायर बिल्कुल सेपरेट लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आप जानते हैं कितने के बराबर होता है, ये तो डेल तो रहेगा ही इस ब्रैकेट में जी, इसकी वैल्यू एन आर पावर एन माइनस टू आर होता है, एन आर पावर एन माइनस टू और क्या हो गया आर हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे एन हमारा कांस्टेंट है, एन बाहर हो जाएगा तो कितना बचेगा, इक्वल टू एन डेल आर पावर एन माइनस टू और ये क्या हो गया हमारा आर हो गया। अब देखिए प्रथम और द्वितीय फंक्शन के क्या फार्मूला लगा देंगे, ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया सेकेंड हो गया, तो इक्वल टू एन इन ब्रैकेट में आ जाइए, प्रथम क्या हो जाएगा आर पावर एन माइनस टू और डेल आर हो गया, और ध्यान दीजिए प्लस आर हो गया और डेल पावर आर पावर एन माइनस टू और ब्रैकेट क्या करिए क्लोज कर दीजिए। आइए अब देखते हैं क्या है, देखिए इसका जो सोल्यूशन आप करेंगे तो आपको इतना ऑप्टेन हो जाएगा, इक्वल टू एन इन ब्रैकेट में आ जाइए, आप लोग यहाँ से लगाएंगे इतना एन। अब देखिए यहाँ पे आर्क एन माइनस टू आर्क पावर एन माइनस फोर डॉट आर स्क्वायर प्लस एन आर्क पावर एन माइनस टू और डॉट थ्री हो जाए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या है, आर एन और एन माइनस टू आर पावर एन माइनस फोर और प्लस टू प्लस एन थ्री एन कर दीजिए थ्री आर पावर एन माइनस टू इक्वल टू एन ब्रैकेट क्लोज एन माइनस टू आर्क पावर इसे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा दो तो कितना हो जाएगा एन माइनस टू और प्लस थ्री एन आर्क पावर एन माइनस टू। अब पूरे में कॉमन क्या है आर्क पावर एन माइनस टू कॉमन है, समेशन क्या करें इसे बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वल टू एन ब्रैकेट ओपन इसमें एन माइनस टू और यहाँ पे इसे तो बाहर कर लिए हैं प्लस थ्री एन ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आर पावर एन माइनस टू। अब ध्यान दीजिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो थ्री एन और एक एन मिलकर कितना हो जाएगा फोर एन, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा एन ब्रैकेट ओपन फोर एन माइनस टू ब्रैकेट क्लोज आर पावर एन माइनस टू। इस तरह से हमारे यह तीन पार्ट जो कि हमारी परीक्षाओं में लगातार पूछते चले आए हैं, जो आज हमारा कि पार्ट नंबर टू में क्या हो गया कंप्लीट हो गया।